गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अभी जो हम चैप्टर देख रहे हैं, क्या था अपना टॉपिक का नाम? बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। उसके अंदर का भी जो पॉइंट हमारा चालू है वो है डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी देख रहे हैं। तो डायरेक्ट करंट होता क्या है, जो कि डीसी हम बोलते हैं, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई। डीसी मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट करंट। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलेंगे। ए डायरेक्ट करंट इज द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन और पोलैरिटी। मीन्स जो करंट है जो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता, पोलैरिटी नहीं चेंज करता, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। इट कैन बी प्योर डीसी और पल्सेटिंग डीसी। तो डीसी के अंडर भी दो टाइप होते हैं, एक तो प्योर होगा या फिर पल्सेटिंग डीसी होगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होती या फिर पोलैरिटी चेंज है। अभी यहाँ पे एक ग्राफ है करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? सेम है, नो चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स इसका सपोज यहाँ पे 5 एम्पेयर करंट है, तो ये 5 ही रहेगा एट एंटायर टाइम। तो ये मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है क्या? नहीं। डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो हम ऐसे करंट को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। डीसी इज डिफाइन एज दोज करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीसी। अब प्योर डीसी क्या होता है? प्योर डीसी एज द वन विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू और पोलैरिटी। मीन्स जो करंट इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज कर रहा और पोलैरिटी भी नहीं चेंज कर रहा, मतलब प्लस माइनस नहीं जा रहा, ये एक ही डायरेक्शन में है या फिर उसकी पोलैरिटी एक ही है, तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे हम? प्योर डीसी। ठीक है, वेवफॉर्म ऑफ प्योर डायरेक्ट करंट दिख रहा है यहाँ पे, स्टेट है, पॉजिटिव में है। नेक्स्ट पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग मीन्स ऐसा ऊपर नीचे होना, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा पल्स रेट जो ऐसे ऊपर नीचे होते, उसको बोलते हैं पल्सेटिंग। इन प्रैक्टिस वी मे नॉट अलवेज यूज प्योर डीसी क्वांटिटीज। हम प्रैक्टिकल में प्योर डीसी क्वांटिटी नहीं यूज़ करते। द प्रैक्टिकल डीसी क्वांटिटी मे बी चेंजेस देयर मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी करंट है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे क्वांटिटी को या फिर ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ से फिर से कम हो रही है, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, फिर से कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, पोलैरिटी सेम है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग डीसी। पॉजिटिव में हो रहा है, नेगेटिव में भी, वैसे सिर्फ नेगेटिव में है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है क्या? नहीं। ओनली इन, एक तो पॉजिटिव में होगा एक तो नेगेटिव में होगा, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग डीसी। समझ में आ रहा है? अभी एप्लीकेशन, तो ऐसे करंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन बैटरीज, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, स्मॉल डीसी टॉयज मोटर एंड टॉर्च में हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एसी। एसी करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी के एग्जैक्ट अपोजिट। इट इज़ अ डिफाइन एज वन विच चेंज इट्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये क्या कर रही है? वैल्यू भी चेंज कर रही है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। ऐसे क्वांटिटी या फिर ऐसे करंट को क्या बोलेंगे आप? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मीन्स एक बार पॉजिटिव और एक दफ़ा निगेटिव, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा निगेटिव। ऐसे जो क्वांटिटी है उसको क्या अल्टरनेटिंग, वो क्या कर रही है? पोलैरिटी चेंज कर रही है। और इसका मैग्नीट्यूड भी देखो, अब चेंज हो रहा है, जीरो से यहाँ पे मैक्सिमम होता है, फिर यहाँ से कम होता है, फिर यहाँ से और बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसे कहाँ पे यूज़ होते हैं? एप्लीकेशंस कहाँ पे? यहाँ पे अल्टरनेटिव है फैन, लैंप, इंडक्शन मोटर और डोमेस्टिक एप्लीकेशन। जो भी हम घर में यूज़ करते हैं वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, क्योंकि घर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, सभी तो एक ही वोल्टेज पर नहीं चलते ना, सभी अलग अलग, सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हम घर में डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए हम एसी क्वांटिटी रेफर करते हैं। अभी यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ डीसी और एसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ एग्जाम व्यू। मैं इसको IMP लिख देती हूँ यहाँ पे। बच्चों को तुम कितना भी बोलो फिर वो करते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है जब बच्चे हम इतना क्लास में उन्हें बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बच्चों का क्या काम होता है कि वो नोट डाउन करके लिए यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें ठीक से करना है, एग्जाम में आ सकता है, आएगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन एसी और डीसी क्या है। अभी वेवफॉर्म कैसी है? एसी की कैसे होगी? अल्टरनेटिंग मोड में। ठीक है, ये तो साइनसोइडल होगी या फिर स्क्वायर वेव में होगी। और डीसी कैसा होगा? इसकी पोलैरिटी चेंज होती है क्या? नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, तो पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होगा। यूज़ कहाँ पे होगा? ट्रांसफार्मर इसको यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, इसको यूज़ कर सकते हैं, डीसी को नहीं यूज़ कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका? हाई।
इसका क्या है, लो डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या थे डेफिनेशन, इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी, एसी क्वांटिटी। डीसी क्वांटिटी क्या था, ये अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकता। डिज़ाइन कैसे इसकी ईजी है और इसकी डिज़ाइनिंग नॉट ईजी। जनरेशन ईजी है, इसका ईजी नहीं है। एप्लीकेशन एसी मोटर, इसका डीसी मशीन और डीसी मोटर। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके टाइप्स लिख सकते हैं, इसके वेवफॉर्म लिख सकते हैं। डेफिनेशन में कौन से भी आप कंपैरिजन के पॉइंट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, एसी और डीसी, ठीक है।